हमारी परंपरा रियल में क्या है ना। आप हो सकता है आप जान रहे हो कि आपके मन में ऐसा है कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के देव देवी हैं, हम मंत्रोच्चार करते हैं, हमको लाभ मिलता है, दूसरों को लाभ मिलता है, पर यह जानना जरूरी है कि हमारी परंपरा कौन सी है। तो सिंपल वर्ड्स में आप इसे तमिल सिद्ध परंपरा कह सकते हैं। और ये सिद्ध परंपरा जो है वह इसको सिद्धांत परंपरा भी कहा जाता है। और सिद्धांत परंपरा और वेदांत परंपरा ये दोनों अलग अलग प्रकार की परंपरा है। दोनों के बीच में काफी तालमेल भी है, दोनों एक जैसी भी है, पर कुछ कुछ तरीकों में ये दोनों परंपराएं अलग है। जैसे कि एक सबसे बड़ा जो एंगल है जिसको हम 200% लिविंग कहते हैं, जो आप सब जानते हैं, तो 200% लिविंग सिद्धांत परंपरा है। और वेदांत परंपरा जो है वो अधिकतर 100% लिविंग है। फर्क ये है कि ये जो सिद्ध परंपरा होती है वह उसके भीतर 4 स से शुरू होने वाले शब्द, हिंदी में कहें तो संबोधि मतलब मोक्ष, वह सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे स्वास्थ्य, संबंध और समृद्धि, तो ये 4 स का समावेश होता है सिद्धांत परंपरा में। पर जो वेदांत परंपरा है वह मात्र संबोधि पर ध्यान देती है या मोक्षगामी बनाती है हम, तो वह प्योर आध्यात्मिक होती है। और ये आध्यात्मिक प्लस व्यवहारिक दोनों होती है, यह फर्क है कि। तो आप लोगों को पिल्ले सेंटर क्या है वो आपको पता है, लेकिन उसका जो रूट है, जो उसकी जो ओरिजिनल परंपरा है वो जानना भी जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है हमारा जो हम सब लोगों का जो कार्य है, और बाकी जो प्रचलित बहुत सारे बहुत ही उम्दा है, बाकी की संस्थाएं हैं, बाकी के धर्मगुरु हैं, बाकी के संप्रदाय है, जो भी है सब सुंदर है, पर फर्क है सबके बीच में। तो हमारे बीच में और औरों के बीच में यह फर्क है। और इसके पीछे बाबा जी का और पूरी तमिल सिद्ध परंपरा का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति को मोक्षगामी बनने से पहले स्वास्थ्य, संबंध, समृद्धि, ये तीनों में एक लेवल उनका, एक स्तर उनका आना जरूरी है। ये स्तर आने के बाद फिर आप एक त्वरा के साथ, आप एक तेजी के साथ मोक्षगामी हो सकते हो। वरना क्या है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हैं वही हमें मोक्षगामी नहीं होने देती। तो ये ओरिजिनल जो डिफरेंस है ट्रेडिशंस के बीच में, ये डिफरेंस है। तो इसको कुछ लोग ऋषि परंपरा वर्सेस मुनि परंपरा भी कह सकते हैं आप। ऋषि परंपरा जो होती है उसमें जैसे आपने देखा होगा एक ऋषि है, वह शादी भी करता है, उसकी ऋषि पत्नी भी होती है, और दोनों मिलके एक आश्रम चलाते हैं जिसमें लोगों का कल्याण होता है। उसके सामने एक मुनि जो होता है वह अंतर्मुख होके मात्र मोक्ष की ओर अपना प्रयाण करता है। तो ये हमारी जो परंपरा है ये एक प्रकार की ऋषि परंपरा है। तो भारत के अंदर सालों साल से, जन्म जन्म से, भवो भव से, जैसे भी आप बोलो, 2000, 5000, 10000 सालों से ये दोनों परंपराएं चल रही हैं। और हमारी जो परंपरा है थोड़ी ऋषि परंपरा, सिद्ध परंपरा प्रकार की, जिसके भीतर जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं।